हरिद्वार सिटकुल में लगे उद्योगों में श्रमिकों के शोषण का सिलसिला लगातार जारी है। एवरेडी कंपनी प्रबंधन ने बिना कारण निलंबित किए गए 14 कर्मचारियों की वापसी को लेकर कंपनी के गेट पर कर्मचारी धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब हार कर कर्मचारी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने परिजनों को भी लेकर धरना दे रहे हैं। धरना पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं परिजनों का कहना है कि जब घर का मुखिया ही धरना दे रहा है तो हम घर पर क्या करेंगे। हमारे एक छोटा सा मतलब कि सेटलमेंट चलता है 3 साल पर, उसी सेटलमेंट को दबाने के लिए कंपनी ने जो कृत किया है गैर कानूनी तरीके से ताला बंद कर दिया है और आज 62 दिन से हम लोग बाहर हैं फैमिली के साथ में, कंपनी गेट पर धरना दे रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से ताला बंद किया है इस पर किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये कह रही हूँ सर, जो 108 ने काम करा वही इन 14 ने काम करा है, तो इनको क्यों निकाला जा रहा है? एसडीएम एडीएम सब उनके साथ है सर, हमारा किसी ने सपोर्ट नहीं करा। परसों भी उन्होंने ये बात रखी है कि तुम मान जाओ सर, हम मानते हैं, थोड़ा आप मानो, हम बोल रहे हमें लिखित रूप में दीजिए, तो वो लिखित रूप में देने के लिए राजी नहीं है। वो फिर भी उन्हीं की साइड ले रहे हैं कि ले लेंगे। सर आजकल हर चीज की गारंटी मांगी जाती है, हमारे पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए।